मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पूनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी चोपड़ा, क्या नाम, नीरज चोपड़ा, ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अब अपना प्रदर्शन करने वाला फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करके देश के नाम वो करेगा। बजरंग पूनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर वो मिलेगा। और ये खुडन गांव झज्जर जिले का वहाँ का रहने वाला है। खुडन में भी जैसे हमने कल रवि दहिया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुडन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें तो वहाँ भी ये किसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ये बनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। सीएम साहब, जो खिलाड़ी वापिस अब लौटेंगे टोक्यो से, तो आपने कोई बड़ा कार्यक्रम करके उनके लिए सम्मान समारोह करने का, तो ये इनामी राशि आप देने जा रहे हैं, ये उसी वक्त आप उस समय देंगे? हमने विचार किया कि 13 तारीख को, 13 अगस्त को और दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम पंचकुला का जो इंद्रधनुष स्टेडियम है वहाँ पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा और जो खिलाड़ी जीते हैं उनका जो मान सम्मान में हम उनको राशि अवार्ड जो देना है वो सब दिए जाएंगे।